गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी में स्टार्ट किया था लॉ ऑफ सी या फिर सागर का नियम, जो कि हमने आधा ही समझा था। आज हम लोग उसको, वो थोड़ा ब्रॉड है, ब्रॉड टॉपिक है, इस वजह से इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट कल इंट्रोडक्शन पार्ट, आज हम लोग उसकी थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे। ठीक है, हिस्ट्री क्या है या फिर लॉ ऑफ सी के पीछे, इस लॉ के पीछे क्या हिस्ट्री है, उसके बारे आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1969 में, ये थोड़ा सा कल हमने डिस्कस किया था, आज हम लोग उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। 1969 में हॉलैंड के ज्यूरिस्ट ह्यूगो ग्रेटियस, आपको स्पेलिंग में बता दूंगी, ने मारे लिब्रियम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इस थ्योरी को या फिर इस सिद्धांत को बताया था 1969 में ज्यूरिस्ट ह्यूगो ग्रेटियस। और मारे लिब्रियम का अर्थ है मुक्त सागर, ओपन सी या फिर मुक्त सागर। 1969 में ओपन सी या मुक्त सागर का प्रतिपादन किया गया था। और ये सिद्धांत क्या था, ये थ्योरी या कॉन्सेप्ट क्या था, इसके अनुसार महासागरों पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार महासागरों या ओशन में सभी नेशंस का इक्वल राइट्स है, क्या करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो माइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे रिसोर्स से रिलेटेड हो, या फिर परिवहन या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, ये सभी अधिकार सारे नेशंस को दिया गया। अब सारा फ्रीडम दिया गया है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर मैं आपको अभी क्लास के लिए बोलूं कि आपको फ्रीडम है कि आप कितने बजे भी आओ, लेकिन मेरा क्लास जब भी होता है तो टाइमली होता है, तो पता चला आप शाम में 5 बजे आ रहे हो या 6 बजे, या नॉर्मल क्लास जब चल रहा है, 11 बजे से क्लास होती है हमारी कॉलेज की, तो उस टाइम अगर आप 11:15 में आ रहे हो तो ये तो सही नहीं ना है। तो कुछ ना कुछ टीचर्स को भी प्रॉब्लम होगी, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होगी कि बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर आप लोगों को फ्रीडम दे दिया जाए तो, ये तो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, उसी तरह सी में भी एक फ्रीडम दिया गया था जो ओपन सी के द्वारा, कि सभी का समान अधिकार है। तो पता चला कि सबका समान अधिकार है, कोई जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या करेंगे और डेवलपिंग कंट्री है वो लोग रिसोर्स को कम यूज़ कर पाएंगे। तो इस स्वतंत्रता या इस राइट्स, इक्वल राइट्स के कारण हर एक नेशंस में अलग अलग झगड़े या विवाद होना शुरू हुआ। क्लियर है यहाँ तक? मोनिका, निधि, प्रियंका, यहाँ तक क्लियर है? अब ये तो 1969 में एक ओपन सी सिद्धांत या मुक्त सागर सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। ठीक है, इससे थोड़े से पहले की बात करते हैं, 1702 में कार्नेलियस वॉन बिंग कर शॉक, कॉर्नेलियस वॉन बिंकर शॉक, ये स्पेलिंग में आप लोगों को मैसेज कर दूंगी। ठीक है, इन्होंने किसी राष्ट्र के या फिर किसी नेशन के अधिकार वाले, इन्होंने 1702 में कॉर्नेलियस वॉन बिंकर शॉक ने
किसी राष्ट्र के अधिकार वाले महासागर के भाग के सीमांकन का प्रयास किया। दैट मीन्स कि कुछ रूल रेगुलेशन या फिर कुछ डिमार्केशन करने का प्रयास किया, और इस तरह से टेरिस्टोरियल सी या फिर क्षेत्रीय सागर का इस तरह से 1702 में कॉर्नेलियस वॉन बिनकेशॉर्क ने टेरिस्टोरियल सी या फिर क्षेत्रीय सागर की संकल्पना स्थापित की या इसको सूत्रपात किया। इससे क्या हुआ, इससे क्षेत्रीय सीमा या फिर टेरिस्टोरियल सी के सागरवर्ती सीमा पर, मतलब कोस्टल एरिया पर, तीन तट या फिर सागर के तीन तट से, मतलब एक ओर तो एक नेशन होगा, उसके तीन ओर से इसको दूरी या फिर इसको थोड़ा डिमार्केट करने की कोशिश की गई। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के बताते हैं, अगर आप इस डायग्राम की बात करें, ठीक है, मान लीजिए ये ओपन स्पेस या फिर वाटर बॉडीज़ है, ये आपका नेशन है, ये जो थ्री ब्लॉक्स देख रहे हो, ठीक है, ये थ्री ब्लॉक्स आपका नेशन है। दैट मीन्स कि 1, 2 एंड 3 तीन ओर से इन्होंने समुद्र को या सागर को डिमार्केट करने की कोशिश की थी। किसने किसने? हाँ, एग्जैक्टली। कब? 1702 में, 1702 में इन्होंने इसका प्रयास किया था, ठीक है, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, इसका प्रयास किया गया था। उसके बाद 1958 में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने टेरिटोरियल सी के सीमांकन के लिए पहल की। 1958 में सबसे पहले, सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये जो टेरिटोरियल सी है उसको डिमार्केट या सीमांकन करने के लिए पहल की। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम सागर नियम पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस टॉपिक को लेकर सर्वप्रथम सागर नियम या फिर लॉ ऑफ सी के डिस्कशन के लिए फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें टेरिटोरियल सी की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किया गया। टेरिटोरियल या फिर क्षेत्रीय सागर के प्रथम संधि, मतलब कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा, कुछ तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उसके बीच में एक सिग्नेचर, लाइक आप लोग कॉपी चेक कराते हो तो हम लोग सिग्नेचर करते हैं, तो उसी तरह कुछ ना कुछ वहाँ पे डिस्कशन हुआ जिसमें पहला सिग्नेचर किया गया, सब लोगों ने एक मत स्थापित की, सबका एक वोट हुआ, और उसके बाद एक इस संधि पे सिग्नेचर या हस्ताक्षर किया गया। इस संधि में क्या था? इस संधि में किसी भी राष्ट्र के कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब कि महाद्वीपीय मग्न तट के मार्गदर्शन को सुनिश्चित किया गया। किसी भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एरिया को सुनिश्चित किया गया।
लेकिन इसमें भी इसकी भी जो एग्जैक्टली क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए वो रूल रेगुलेशन नहीं दिया गया था, परिभाषा नहीं की गई थी ठीक तरह से, उसका जो भी एरिया डिमार्केट है या फिर जो भी टाइप का परिभाषित करना चाहिए, क्लियर पिक्चर होना चाहिए, वो परिभाषित नहीं किया गया था। अतः फिर से सागरों के संसाधन पर, तटीय क्षेत्र पर विवाद उत्पन्न होने लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 1960 में सागर नियम या फिर लॉ ऑफ सी पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सेकेंड संगोष्ठी या सेकेंड कॉन्फ्रेंस जिनेवा में आयोजित किया। 1960 में, 1960 में लॉ ऑफ सी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सेकेंड कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। कहाँ पर? जिनेवा में। यस, जिनेवा में। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हर एक राष्ट्रों का एक मत नहीं हुआ, सबका अपना अपना कहना था, या फिर इस पे भी, ये जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस था इस पे भी जो अधिकार होना चाहिए, राइट एंड रेगुलेशन होना, रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, राइट्स होना चाहिए, ये आम सहमति नहीं बन पाई, सबका एक मत नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट 1973 में थर्ड सागर नियम या फिर लॉ ऑफ सी पर यूनाइटेड नेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने थर्ड संगोष्ठी आयोजित की। कब की? 1973 में कौन सा नियम के लिए संगोष्ठी की गई, किस नियम के लिए? सागर नियम। यस, सागर नियम। हाँ, किसने? यूनाइटेड नेशन ने या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने थर्ड संगोष्ठी या थर्ड कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ठीक है, 1973 में की, और 1973 में तो ये कॉन्फ्रेंस हो गया, ये मीटिंग हो गया, लेकिन 1982 में कुछ राष्ट्रों ने इस जो भी रूल रेगुलेशन बनाया गया उस पर हस्ताक्षर कर दी। मतलब कि सॉरी, कॉल आ गया था मैम का। तो 1982, हेलो, यस मैम। 1982 में अधिकांश राष्ट्रों ने इस जो रूल रेगुलेशन किया गया था उस पे उसको मान लिए, है ना, लेकिन कुछ राष्ट्रों ने ये जो सागर संधि हुआ या फिर जो नियम कानून बनाया गया उस पे हस्ताक्षर कर दिए। कब के? 1982 में। क्लियर है? लेकिन कुछ राष्ट्रों का मानना था कि नहीं, हम लोग ये जो नियम है इस पे हम लोग नहीं चलेंगे। वो कौन कौन से राष्ट्र थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर टर्की, फिर इज़राइल, वेनेजुएला, मिला के 17 ऐसे राष्ट्र थे, 17 ऐसे देश थे जिन्होंने ये जो संधि था 1973 में जो थर्ड कॉन्फ्रेंस रखा गया उस पर उन्होंने अपना मत नहीं दिया, उन्होंने साइन नहीं किया। लेकिन 1993 में ऐसे राष्ट्रों ने उस पर हस्ताक्षर की, ऐसे राष्ट्रों ने उसको मान लिया, और उसके बाद इंटरनेशनल
लॉ बन गया, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी का नियम बन गया 1993 में। सभी राष्ट्रों ने उस पर भी, कुछ राष्ट्रों ने इसको उस पे रेडी नहीं थे, लेकिन 1993 में जितने एलिजिबिलिटी या फिर जितने भी मिनिमम वोट होना चाहिए उतने वोट हो गए थे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। उसके बाद 1993 के बाद इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी का ये जो नियम है ये लागू कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है?